दोस्तों आपका स्वागत है आपको फैमिली ब्लॉग में। आप लोग कैसे दोस्तों, आशा करके बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों आज इनका एग्जाम था कि 11 बजे इनका एग्जाम खत्म हुआ है। देखिए दोस्तों एग्जाम देगी अपना, बताइए पेपर अपना कैसा हुआ आपका? पेपर हमारा बढ़िया गया और आप लोगों का आशीर्वाद से हर बार ही मेरा बढ़िया जाता है, जानते हैं आप लोग। हाँ ये तो बात सही है। अभी मुझे अमेजिंग आज के लिए कंटेंट बनाना था तो इसलिए एग्जाम देना जरूरी था, क्योंकि एग्जाम देने से रेगुलेशन बनी रहती है कम्पिटेटिव एग्जाम। तो अभी हम मौजूद हैं जीवन दीप महाविद्यालय, ये है बड़ा लालपुर चांद मारी के पास, और यहाँ से हम निकलेंगे अभी। जो चीज़ें देखिए लोकेशन भेज दिया हमको, दिखाई लोकेशन भेजा है जो सुष्मित ने, जो दिव्यांग पत्रकार जानते होंगे आप, विभिन्न सर से आज का विवाद चल रहा है, तो चलते आज उनका जबरदस्त इंटरव्यू लेते हैं। आप ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा। तो आज हम भैया से मिलेंगे और वहाँ का आपको लोकेशन दिखा देंगे, व्यू दिखाएंगे और भैया के बारे में कुछ जानकारी भी आपको देंगे, उनके फैमिली से भी मिलेंगे। तो चलते हैं, बहुत धूप भी हो चुकी है क्योंकि मौसम थोड़ा सा बेटर था, बहुत अच्छा मौसम था, फिर धीरे धीरे मौसम में धूप होने लगी। इतनी धूप हो रही है कि ना चिंता नहीं, अब समझ में नहीं रहा सारनाथ में हम कैसे जाए, इतनी धूप हो रही है। वहाँ पर भी मतलब सारनाथ नहीं चल रहे हैं अभी, पहाड़िया चल रहे हैं। कहाँ चल रहे हो? पहाड़िया। अभी फिलहाल पहाड़िया चल रहे हैं क्योंकि वहाँ पर हमारा मीटअप है और बहुत लोग वहाँ वेट कर रहे हैं हम लोगों का। तो इस मारे चली चलते हैं और उन लोगों से भी मिलाएंगे जो हमारा वेट कर रहे हैं यहाँ पर। चलिए लेट। और देखिए दोस्तों मेरे प्लस मेरे पीछे जो हाथी है आप देख सकते हैं, और यहाँ पर मतलब कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं कि जिनकी दूसरी शिफ्ट में है। ये देखिए दोस्तों ये बेचारे धूप में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, बताइए इनको नौकरी नहीं मिलनी चाहिए? बताओ मैं जो सही है ये गलत है, आप बताना जरूर कमेंट में कि ये लोग बताइए धूप में बैठ के मतलब पढ़ाई कर रहे हैं, घर छोड़ के अपना भूखे प्यासे मेरी तरह जैसे मैं भी आई थी उसी तरीके ये लोग भी आए होंगे और यहाँ कितना परिश्रम कर रहे हैं। और फिर भी देखिए दोस्तों फिर भी नौकरी नहीं मिलती है, कहाँ चली जाती समझ में नहीं आती। आए हैं गाड़ी लेने, गाड़ी लेके आएंगे तो हम लोग आगे निकलेंगे, वहाँ का लोकेशन हम आप लोगों को दिखाएंगे। देखिए दोस्तों जहाँ मैंने कहा था कि मैं भैया घर जा रही हूँ, मैं भैया घर आ चुकी हूँ। इनकी देखिए छोटी सी प्यारी सी फैमिली है, ये पूरी फैमिली है। बाबू कहाँ गया हमारा, ये देखिए बेटा ये रहा अंकुश है, और ये नन्ना मुन्ना ये तो बहुत बहुत शरारती सच्ची में, अगर इसके पास आप आओगे ना बिल्कुल बोर नहीं होगे, बहुत बिल्कुल बोर होने नहीं देते। क्या पी रहे हो बेटा? इधर आओ मेरे पास आओ, क्या पी रहे हो? दूध पी लियो? ये देखो क्या कह रहा है मेरे को, पी लो अभी नन्ना मुन्ना क्या मुझे पीने की। बाबू पहले अपने पेट भर ले है ना, इसमें चीनी मिली है कि नहीं मिली है? बाबू चीनी डली है कि नहीं? डली है। अच्छा तभी अच्छा लग रहा है ना। हाँ देखो दोस्तों जब दूध और चीनी रहती है ना तो अच्छे अच्छे बच्चे पी लेते हैं। और ये देखिए दोस्तों ये अंकुश है, इससे तो आप मिल चुके हो घर पे हमारे, जो कि बाबू आए थे बेटा। और बहुत मतलब बहुत प्यारे बच्चे हैं, मेरे को बहुत जानोगे इन बच्चों के बारे में भक्की आई हूँ मैं सही बताऊँ तो, क्योंकि जब मेरे को ये अंकुश की याद ज़्यादा आती क्योंकि मैंने कहा जब मैं वहाँ तक जा रही हूँ तो मैं भैया घर जाऊँगी बाबू से जरूर मिलूँगी, फिर पता नहीं कब मुलाकात होगी जल्दी। ये देखिए भैया जी हैं। भैया जी कुछ आप बोलिए हमारे चैनल पे। अच्छा ठीक है भैया, नंगे है ना, नंगे पुंगे हैं, रणबीर कपूर फोटो खिंचवा दिया। देखिए दोस्तों इन्होंने तो फिर भी पहन रखा है, रणबीर कपूर बिल्कुल निर्वस्त्र है, मतलब एक कपड़ा नहीं था उनसे तो बेटर ही है बहुत। नहीं तो कभी हम नंगे बाल नहीं रहते, आप भी देखते हैं पका होगा धारण कर रहा। हाँ। गर्मी है, गर्मी बहुत ज्यादा, गर्मी बहुत कर रहा हूँ भी, वैसे मैं अपने घर पे था इसलिए मतलब लगा कि कोई बात नहीं है चलता है। हाँ। सभी लोग जानते हैं। हाँ। तो ये चीज़ नहीं है। और मेरा फैमिली मेरे बच्चों से अपने मिला, अंकुश सिंह सत्या आयुष सिंह सत्या, ये दोनों हमारे एक पावर हैं, और हाथ तो दोनों नहीं है लेकिन चार हाथ है ठीक है ना, चार चार हाथ है, और इन लोग को देख कर मतलब एक अलग ऊर्जा मिलती है अगर जो कुछ उनके दम से हो, क्योंकि लोग कहते हैं ना कि परिवार ही सबसे बड़ा पावर होता है और परिवार ही सबसे बड़ी कमजोरी होती है। तो अच्छा बहुत अच्छा लगता है इस तरह से, और आप लोग इनके वीडियो को देखते होंगे हमेशा, बड़ा अच्छा मल्टी टैलेंट ये भी है और ये भाई साहब को तो कहना नहीं है जिस तरह से है, बड़ा अच्छा लगता है। और सौभाग्य है कि आप हमारे घर पे आ गए हैं, मैं गया था एक बार इनके घर पे, दो चार दिन रुका था, बड़ा अच्छा लगा था, गांव की यादें थी, बड़ा अजीब लगा था गांव में रहते ही। हाँ मज़ा आ गया था। अब तो यहाँ पे फैन नहीं है,
यही कहेंगे कि गया तो फैन नहीं चलाया। फैन अपने बस की नहीं है, भगवान की हवा चल रही है ना, इतनी सुंदर हवा चल रही है। बिजली का कोई मतलब इस तरह नहीं, बाकी सब ठीक है। और आप बताइए, आप आज मेरे यहाँ आए, मैं तो गया था आपके पास, आज पूरा फैमिली, चूंकि मेरे फैमिली का कोई वीडियो नहीं बनाया था जी। और आप मेरे फैमिली का जिस तरह से पूरा वीडियो बनाए हैं, तो मेरे फैमिली से मिलकर आपको कैसा लगा? मुझे आपके फैमिली से बहुत अच्छा लगा, मतलब लगा ही नहीं कि मैं दूसरे के मतलब और किसी से मिले, जैसे अपना ही कोई परिवार हो, समझिए हमारा एक छोटा सा परिवार ये भी है। देखिए सच्चाई है कि कोई दूसरे से मिलने का कहाँ किसको फुर्सत नहीं मिलती, सही बात है। जो अपना समझते हैं वही हमसे मिलेंगे, आपसे मिलेंगे, आप मिले मुझे अपना समझे, तो वहाँ से चल के आजमगढ़ से चल के आए हैं बनारस में। बड़ा अच्छा लगा कि चलिए अपना तो कोई है जिस तरह से है। तो देखिए अपनों को ही ढूंढते ढूंढते इंसान पहुँच जाता है, गैरों के पास तो कोई नहीं जाता है, अपनों के पास अक्सर कोई इंसान रहता हो तुरंत पहुँच जाता है, क्योंकि हमें उनसे मिलना है, हमारा परिवार है वो भी एक तरह से। यही चीज़ है, बड़ा अच्छा लगा। और आप लोग दोनों लोग आए, बहुत लोग कहते अतिथि देवो भव, शायद मैं भगवान का बाबू अभी ना सबको रुलाने वाला, रो के गिर गया। नमस्ते बोलो, नमस्ते, हेलो बोलो, हेलो दोस्तों से हेलो बोल दे, हेलो बेटा बोलो, अभी मेरा बच्चा गिर गया है, इनसे मिलकर सच्ची में मेरे को बहुत अच्छा लगा। और एक हेलो दोस्तों, नमस्कार, हमारा दीदी है, बड़ी दीदी हमारे घर आए, बहुत अच्छा लग रहा है दीदी से मिलकर। मुझे मेरे को सच्ची बताओ ना, मेरे को खुद इनके मुल्क बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आप रह जाती हमारे घर, अरे हम तो सोचे कि आप आएंगी तो हमारे घर रहेंगी, ऐसी बात नहीं है, अब तो घर देख लिया है, चाहे भैया रहे ना रहे मैं तो आ जाऊंगी। चलिए घर तो आराम से आ जाना, या तो बस पकड़ना और डायरेक्ट घर पे छोड़ देगी, भैया जानते एकदम रोड पे ही घर है, ना कहीं जाना ना इधर उधर, सीधे घर पे पहुंचाती है। और ये देखिए हमारे क्या नाम है, आज अर्चना, क्या नाम है, अर्चना। हाँ देखिए अर्चना, मतलब ये बहुत अच्छी संबंध, मतलब पूरी फैमिली बहुत अच्छी है, भैया भी अच्छे है। और इन्होंने बताया मैं गर्मी में बेचारी, मेरे लिए खाना नहीं है, कुछ नहीं है, गर्मी में परेशान होकर खाना बनाया इसने, कोई आता है तो मतलब हमेशा लिए परेशान करने के लिए नहीं आता है दोस्तों। और बहुत अच्छा लगा मुझे इनसे मिलकर, और मेरे घर पे आई थी और बहुत अच्छा लगा। तो चलिए दोस्तों, देखिए मैंने भैया की पूरी फैमिली से आप लोगों को मिला दिया है, और देखिए सबसे मैंने मिलवाया नहीं मिलवाया, सही है, कमेंट में जरूर बताना आप लोग। चलिए फिर आगे चलते हैं, तो देखिए दोस्तों इसको हम अपने घर हम लेके जाते हैं ना, तो बच्चों के संग रह के भी खेलने कूदेगा, सही बात है, सबको अपने माँ बाप प्यार से कोई भी। तो दोस्तों हमारी वीडियो बस यहीं तक है, अगर हमारी वीडियो को पसंद आए तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। तो फिर कल एक नई वीडियो संग फिर हमारी मुलाकात होती है। ओके बाय बाय बाय, चलिए बाय बाय। हाँ भाई, नहीं नहीं सबसे पहले एकदम लाख, अच्छा लाख।